आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। खबरों की शुरुआत करेंगे हम, बता दें कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 26,780 नए कोरोना की केस की पुष्टि हुई है, जबकि 28,902 कोविड मरीज संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो गए हैं। एक्टिव केस की संख्या में गिरावट आई है, इस समय कुल 2,00,000 से भी ज्यादा एक्टिव केसेस है। बीते 30 अप्रैल को एक्टिव केस की संख्या 3,10,000 से भी ज्यादा थी, वही पिछले 24 घंटे में 2,25,000 से भी ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। इसके अलावा यूपी में वैक्सीनेशन के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। वैक्सीनेशन के लिए योगी सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं को 20 करोड़ रुपया एडवांस दिया है। प्रदेश को अगले सप्ताह तक 1 करोड़ वैक्सीन मिलने की संभावना है। यूपी में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण जारी है, इस दौरान 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही वैक्सीन का दूसरा डोज देने का कार्य भी चल रहा है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, 28,000 से भी ज्यादा नए मामले हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी की, जहां पर लगातार कोरोना से संक्रमित लोग हैं। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर नगर और गोरखपुर में भी इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब सरकार भी सख्त हो चुकी है। 24 घंटे में 26,000 से भी ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। आपको बता दें तो इसी 24 घंटे में 28,000 से भी ज्यादा लोगों ने रिकवर किया है। इस प्रकार जितने लोग संक्रमित हुए हैं उनसे अधिक डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 2,59,844 है, जो हमारे अधिकतम एक्टिव केस 30 अप्रैल के 3,10,783 की तुलना में लगभग 51,000 कम है। अर्थात 30 अप्रैल को जो एक्टिव केसेस हमारे थे 3,10,783, उनसे अब लगभग 51,000 एक्टिव केस कम हो गए हैं, 50,939 अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर की बात करें। अब तक संक्रमण के पश्चात 11,51,571 व्यक्ति संक्रमण विहीन हो चुके हैं और डिस्चार्ज हो चुके हैं। 24 घंटे में 353 व्यक्तियों की मृत्यु रिकॉर्ड की गई है। कल प्रदेश में 2,25,670 सैंपल्स की जांच की गई और इनमें से 1,12,000 से अधिक जांचें आरटीपीसीआर की हैं। कुल मिलाकर अब तक 4,22,58,373 जांचें की जा चुकी हैं। एक्टिव केसेस में से 1,99,096 व्यक्ति इस समय होम आइसोलेशन में हैं और बाकी के सभी व्यक्ति या तो निजी अस्पतालों में अथवा सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 2,55,330 इलाकों में 5,97,353 टीम दिवस के माध्यम से 3,42,81,410 घरों का सर्वेलांस किया गया है, जिनमें रहने वालों की संख्या 16,53,22,554 है। प्रदेश में जो एक्टिव मामले हैं उनमें 50,000 मामलों की कमी आई है। 3,10,000 से अधिक मामले जो 30 अप्रैल को थे वो घटके अब 2,59,000 रह गए हैं। ये प्रदेश सरकार द्वारा जो एग्रेसिवली ट्रैक करके, टेस्ट करके और ट्रीट की जो एक नीति अपनाई जा रही है उसका ये असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल भी 2,25,670 टेस्ट कल हुए हैं और ये निरंतर जो है टेस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है। और अब टेस्ट की जो क्षमता है प्रदेश में, आरटीपीसीआर टेस्ट की क्षमता है, उसको भी बढ़ाया जा रहा है। उसके लिए 13 नई मशीनें जो है वो आरटीपीसीआर की टेस्ट मशीनें और 22 नए सेमी ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्टर्स ये खरीद के लगा दिए गए हैं और ये इनका काम शुरू हो गया है।
और इसके साथ साथ 335 लैब टेक्नीशियंस और ये इस तरह का जो स्टाफ है जिससे कि इन लैब्स को तेजी से ये काम हो सकता है, इनको भी साथ में नियुक्त कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने जो विभिन्न जनपदों में लगभग 75,000 से 1,00,000 का लक्ष्य आरटीपीसीआर टेस्ट रोज सैंपल इकट्ठे करने का दिया हुआ था, उसको भी अब बढ़ा के 1,25,000 से 1,50,000 किया जा रहा है, ताकि आरटीपीसीआर के टेस्ट कम से कम 1,25,000 से 1,50,000 प्रतिदिन हो। और ये जो प्रदेश सरकार द्वारा गांवों में जो एक अग्रेसिव टेस्टिंग का, एग्रेसिव ट्रैकिंग का जो अभियान चलाया गया है वो कल चला है। कल पहले दिन लगभग जो हमारे आरआरटीज ने जितने हमारे जो लक्षण वाले व्यक्ति थे, आरआरटीज ने जिनको चिन्हित किया था, लगभग 70,000 ऐसे व्यक्ति थे जिनका एंटीजन टेस्ट कराया गया और उनमें 3,500 से अधिक पॉजिटिव मिले।